हेलो एवरीवन। सो अब हमारा जो ये इस सेशन का जो टारगेट है वो हमारा है CSIR, नेट, JRF, IIT, JAM, गेट और एनी अदर MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उसमें जो हमारा सबसे पहले हम CSIR नेट के हिसाब से सिलेबस स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें हम टॉपिक्स और ऐड करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एग्ज़ाम सिलेबस। तो इसमें सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो है रियल एनालिसिस का पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो ये जो है वो हमारा स्टार्ट होगा यूनिट 1 से। तो यूनिट जो फर्स्ट यूनिट होगी जो हमारा, उसमें हम सबसे पहले रियल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो इस रियल एनालिसिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका हम आगे फर्दर जो नए डिफरेंट डेफिनेशंस होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको सीखने के लिए जो यूज़ करेंगे, उसका है वो है नाम पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम क्या सीखेंगे? पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम बेसिकली, जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे, सेट्स के बारे में सीखेंगे और उनकी टोपोलॉजी के बारे में सीखेंगे। मतलब वो क्या क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पॉइंट्स और सेट्स के बीच में रिलेशंस के, क्या क्या उसमें रिलेशंस हो सकते हैं, कनेक्शंस उसमें हम ढूंढेंगे। तो इसमें हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो जाननी है वो ये जाननी है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे खास बात जो इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो पहले तो ये सीखना होगा कि वो डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या कह रही है, और इसमें हमें अपना मतलब नहीं निकालना है। जैसे मान लीजिए कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक टर्म है, मान लीजिए, तो ये हमें ये देखना होगा कि नेबरहुड होता क्या है। तो नेबरहुड, क्योंकि ये जो टर्म है इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि नेबरहुड है क्या। तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली नेबरहुड इज एंड वो किसका होता है, किसी एक पॉइंट का होता है। तो ये जानने के लिए हम एक डेफिनेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ जो बहुत फैमिलियर होंगे सब लोग, तो वो है डेफिनेशन हमारी इंटरवल्स की। अब इंटरवल्स क्या होता है? तो इंटरवल्स का वर्ड माइंड में आते ही सबसे पहली जो चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि इंटरवल्स का मतलब ये हो गया कि वो कुछ भी हो सकता है, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, सेमी ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज हो सकता है। तो लेकिन उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले इंटरवल थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने दो पॉइंट लिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे, एंड वन एक अजम्पशन और कि ए जो होना चाहिए वो बी से कम होना चाहिए। तो ए जो होना चाहिए वो बी से कम होना चाहिए। तो अब हम अगर हम वो ओपन इंटरवल देखेंगे तो ओपन इंटरवल का मतलब, ओपन का मतलब ये हुआ कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं, जैसे ये लेफ्ट एंड पॉइंट है, ये राइट एंड पॉइंट है, तो ये दोनों उस सेट के मेंबर नहीं होंगे। इसका मतलब हम इसको कैसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे? तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन जो होगा वो रियल नंबर्स का होगा, सच दैट दोज रियल नंबर्स विल लाई बिटवीन ए एंड बी। तो इसको आप अगर नंबर लाइन पे समझेंगे तो इस तरह से हम नोट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले तो हमें ये देखना है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ए लेस देन बी, ए करीब यहाँ मान लीजिए और बी करीब यहाँ मान लीजिए। तो जब भी हम ओपन इंटरवल को शो करेंगे तो हम ए को एम्प्टी सर्कल कर देंगे, इसका मतलब ए इंक्लूड नहीं किया है और बी भी इंक्लूड नहीं किया है। तो इसी तरह से हम ओपन इंटरवल हमने डिफाइन किया कि ये सारे पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स को रखेगा जो ए और बी के बीच के मेंबर्स होंगे, लेकिन ए और बी को हटा देगा, तभी हमने इसको हमें एम्प्टी सर्कल के से डिनोट किया। इस तरह हम क्लोज्ड इंटरवल को डिफाइन करते हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा? ये भी एक कलेक्शन होगा, किसका? रियल नंबर्स का, सच दैट दोज रियल नंबर्स विल लाई बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड बी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जब भी हम पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे तो नंबर लाइन्स पे उसको डार्क सर्कल से डिनोट कर देंगे। तो हमने यहाँ डार्क सर्कल से डिनोट कर दिया। तो इन सभी पॉइंट्स को वो कलेक्ट कर लेगा, क्लोज इंटरवल में वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होगा जो ए और बी के बीच के भी हैं और ए और बी भी इंक्लूडेड होना चाहिए। फिर इसी तरह अगर हम सेमी ओपन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए, तो सेमी ओपन हमारा किस तरह का होगा? ये सेमी ओपन हो गया और सेमी क्लोज भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? कलेक्शन ऑफ रियल नंबर सच दैट ए पे ओपन है तो ए आई विल लीव
और बी पे क्लोज्ड है तो हमने बी को कंसिडर कर लिया। तो अगर नंबर लाइन पे इसको किस तरह से बना सकते हैं, तो ए पे ओपन है तो हमने एम्प्टी सर्कल बना दिया, और बी पे क्लोज है तो हमने डार्क सर्कल बना दिया। तो ए और बी के बीच के सभी पॉइंट्स का कलेक्शन सेमी ओपन में होगा, सेमी ओपन इंटरवल में होगा, और ए को छोड़ देंगे, बी को ले लेंगे। तो इसी तरह हम सेमी ओपन को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट एंड पॉइंट पे जो है हमारा क्लोज लगा है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर सच दैट दोज रियल नंबर्स विल लाई बिटवीन ए एंड बी, एंड हियर ए पे क्लोज है, बी पे ओपन है, तो ए पे हमने इसको क्लोज कर दिया। तो जब नंबर लाइन पे बनाएंगे तो ए पे हम डार्क सर्कल बना देंगे और बी को ओपन कर दिया। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अब हम सीखते हैं, तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंटरवल्स का हमें पूरी तरह से आइडिया होना चाहिए नेबरहुड या किसी भी डेफिनेशन को सीखने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हम नेबरहुड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो नेबरहुड को हमें डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, हम इसका डेफिनेशन सीखते हैं। तो पहले हम इसका रफ एक आइडिया लेते हैं कि रफली हम इसको कैसे बनाएंगे। तो एक हमने नंबर लाइन बनाई आर, ये प्लस इन्फिनिटी तरफ जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी तरफ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो रियल नंबर जो है वो भी हमारा एक इंटरवल होता है, जैसा कि हम जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। नेचुरली इन द रियल नंबर सिस्टम इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड। ऑलराइट, नाउ अब हमें क्या करना है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नेबरहुड होता क्या है। तो नेबरहुड हमारा जो होता है वो एक सेट होता है। अब वो सेट किस टाइप का होता है ये देखते हैं। तो नेबरहुड किसका होता है, नेबरहुड किसी पॉइंट का होता है, और नेबरहुड खुद क्या होता है, वो एक सेट होता है। ठीक है, तो नेबरहुड किसी पॉइंट का कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक ए पॉइंट है रियल नंबर, एक ए हमने पॉइंट लिया जो कि रियल नंबर है। तो यहाँ पर हमने ए को रिप्रेजेंट किया, ए हमारा पॉइंट है। अब नेबरहुड, अगर हम ये चाहते हैं कि नेबरहुड यानी कि एक ऐसा सेट, हमें मान लीजिए हमने एक सेट लिया एस सबसेट ऑफ आर, क्योंकि यही इसी को हम नेबरहुड शो करेंगे कि एस इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। तो डेफिनेशन देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, मान लीजिए उस इंटरवल को हमने आई डिनोट किया, सच दैट जो पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट, ए, ए किसमें जाए, ए इंटरवल में जाए, तो ए तो एक पॉइंट है, देयरफॉर इट विल बिलोंग टू आई, एंड आई क्योंकि इंटरवल भी एक सेट है, देयरफॉर आई इज सबसेट ऑफ एस, और एस तो आर का सबसेट है ही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी नेबरहुड, जो सेट नेबरहुड होगा वो नेबरहुड इंटरवल को कंटेन करेगा। लेकिन वो कैसे इंटरवल को कंटेन करेगा, ऐसे इंटरवल को कंटेन करेगा जो ए को कंटेन करे। इसका मतलब एक ऐसा इंटरवल चाहिए जो ए को कंटेन करे, और वो खुद जो इंटरवल हो वो एस का सबसेट हो। यहां से ये चीज क्लियर है। अब इसको हम पिक्टोरियली देख लेते हैं। तो पिक्टोरियली देखने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन की तरफ जाएंगे। तो ए को कंटेन करने वाला एक हमने आई ओपन इंटरवल बनाया, ओपन। अब ओपन इंटरवल हम क्यों लेते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट आगे पहले हम ये सब सीख लेते हैं। तो ए को कंटेन करने वाला आई है हमारा इंटरवल, और आई किसी एस का सबसेट होगा। किसी एस मैंने क्यों कहा कि एक सेट हमको ऐसा मिल रहा है, एक सेट हमने ऐसा हमें सेलेक्ट करना है कि एस इज सेट टू बी, एस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए इफ दे आर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई, ये है आई, सच दैट ए बिलोंग्स टू आई एंड आई सबसेट ऑफ एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट ए है तो इसका
कोई दूसरा सेट भी नेबरहुड हो सकता है, तो वो भी हमें सेट मिल जाएगा, वो भी दूसरा सेट मिल जाएगा। तो ए बिलोंग्स टू आई एंड आई मस्ट बी सबसेट ऑफ एस। जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, ए बिलोंग्स टू आई एंड आई सबसेट ऑफ एस, दैट इज ए बिलोंग्स टू आई एंड आई सबसेट ऑफ एस। अब एक चीज इसमें और सीखते हैं कि हम ओपन इंटरवल रैंड, ओपन इंटरवल हम इन जनरल कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें आई तो मालूम नहीं है, तो हम आई को ओपन इंटरवल बनाने के लिए हम एक एक सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत फेमस है, दैट इज एप्सिलन बिगर देन जीरो। एप्सिलन का चूज करने का, एप्सिलन एक सिंबल देने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें जो भी डिस्टेंस को शो करना होगा, जो भी हमें डिस्टेंस को शो करना होगा, तो उसके लिए हमें एक सिंबल एप्सिलन हमने डिसाइड किया। यही एप्सिलन का एक सिंपल मीनिंग है कि हम एप्सिलन क्यों लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ओपन, मान लीजिए कि ए हमारा जो है आई में कंटेंड है, तो ये डिस्टेंस हमने मान ली अगर एप्सिलन है, और ये डिस्टेंस मान ली हमने एप्सिलन है, ये भी डिस्टेंस एप्सिलन है और ये भी डिस्टेंस हमारी एप्सिलन है, तो ये वाला जो एग्जैक्टली जो पॉइंट होगा, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, तो हमने फिर क्या किया, उसको एम्प्टी सर्कल बना दिया डॉट। तो एम्प्टी सर्कल बनाया, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ वो हमारा ए माइनस एप्सिलन हुआ, और ये वाला जो पॉइंट हुआ एग्जैक्टली दैट इज व्हाट, इट इज ए प्लस एप्सिलन। इट मीन्स दैट अब हमारे पास जो आई आया वो कैसा है, आई हमारे पास कैसा आया, तो हम यहाँ पर इसको जो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि फॉर एप्सिलन बिगर देन जीरो, फॉर एप्सिलन बिगर देन जीरो ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलन एंड ए प्लस एप्सिलन एंड दिस एंटायर इंटरवल विल बी सबसेट ऑफ एस। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल में हम सबसे पहले हम कोशिश करेंगे पॉइंट्स एट टोपोलॉजी में, हमेशा कभी भी पॉइंट्स एट टोपोलॉजी अच्छी सीखनी है तो उसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर नोन है रियल नंबर्स के, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, इंटीजर्स पढ़ते हैं, रैशनल नंबर पढ़ते हैं, इरैशनल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रियल पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो एग्ज़ाम्पल मिले वो हमारा इन्हीं में से, सबसे पहले हमें इन्हीं में से ढूंढना चाहिए डेफिनेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छी तरह से डेफिनेशन अगर सीखनी है तो सबसे पहले हमें एग्जांपल इन्हीं में से ढूंढने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम जब स्टार्ट करेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर एकदम क्लियर होता है, तो वन है, टू है, थ्री है एंड सो ऑन, इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। अब हमें ये पता करना है, जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया, अब हम इसमें सेट भी लेंगे और n से भी शो करेंगे, तो हमने एक सेट लिया, मान लीजिए हमने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 तक मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया। हम ये शो करेंगे कि s इज नेबरहुड ऑफ 1 और नॉट। हमारा जो टारगेट है, जो हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देखते हैं कि इज s, एस हमारा ये है अ नेबरहुड ऑफ वन, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या जो एस है वो वन का नेबरहुड होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, रियल लाइन बनाएंगे, रियल लाइन हमने बनाई और हमने ये देखा कि हमें नेबरहुड किसका चाहिए, हमें नेबरहुड वन का चाहिए, तो वन को आप प्लॉट कर लीजिए, वन ये पॉइंट है हमारा, मान लीजिए वन को हमने जब प्लॉट किया, वन को हमने डिनोट किया, तो वन का अब हमें क्या चाहिए, अब हम डेफिनेशन में जाएंगे, ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ए हमारा वन हो गया, ए हमारा वन हो गया, तो वन को कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन इंटरवल चाहिए, मान लीजिए आई मिला, और आई जो इंटरवल मिला वो आई किसका सबसेट होना चाहिए, एस का, और एस हमारे पास ये है। तो लेकिन अब हमें क्या देखना है कि वन को कंटेन करने वाला इंटरवल हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फिर से हमें क्या यूज करना होगा, एप्सिलन बिगर देन जीरो। तो एप्सिलन बिगर देन जीरो हमने यूज किया और हमने लिखा वन बिलोंग्स टू वन माइनस एप्सिलन, वन प्लस एप्सिलन, नेचुरली वन इसमें तो कंटेन होगा। अब देखिए, अब हमें यह पता करना है
कि क्या ये 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल बना है, क्या ये ओपन इंटरवल एस का सबसेट है या नहीं है, बस यही चेक करना है। तो इसको हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमको अभी ये नहीं पता है कि हम एप्सिलॉन क्या चूज़ करें, लेकिन हमको ये मालूम है कि इट इज़ पॉजिटिव। तो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए हाफ चूज़ करी। अब देखिए, 1 बिलोंग्स टू 1 माइनस हाफ 1 प्लस हाफ, तो क्या 1 माइनस हाफ और 1 प्लस हाफ के बीच में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा इंटरवल होगा 1 बिलोंग्स टू हाफ कॉमा 3/2। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो नंबर्स हैं वो तो 1, 2, 3, 4 है, यानी 1 और 2 के बीच में जो गैप्स हैं, जो गैप वाले पॉइंट हैं, वो तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ टू 3/2, जो हाफ टू 3/2 के जो पॉइंट्स हैं, यानी 1 के बाद वाले जो पॉइंट्स हैं, वो तो इसमें इंक्लूड नहीं है 1 के एग्जैक्टली। तो 1/2 से 3/2 के बीच के जो पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं, 1 तो इंक्लूड है लेकिन 1.1 नहीं है, 1.2 नहीं है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। देर आर इन्फिनेटली मैनी नंबर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट। देर फॉर हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस इंटायर इंटरवल विल बी अ सबसेट ऑफ दिस सेट। देयर फॉर एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1, देयर फॉर दिस इज नॉट सबसेट ऑफ एस। तो हम कह सकते हैं कि एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 1, तो 1 का नेबरहुड नहीं है। इसी तरह हम एन को भी प्रूव कर सकते हैं, दैट एन, इसी तरह एन को भी शो कर सकते हैं कि एन इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। देयरफॉर आई विल राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि सभी पॉइंट्स के अराउंड एक जो हम ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो इंटरवल एन के अलावा भी जो पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर करेगा, उनको रखेगा, यानी कि वो ओपन इंटरवल इंटायरली उसमें जो है एन का सबसेट नहीं होगा। देयरफॉर एन इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। इज इट क्लियर? तो अभी तक सिर्फ हमने ये जाना कि हम नेबरहुड क्या होता है, किसका होता है, और उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, खासकर ओपन इंटरवल की। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब हम इस पे नेबरहुड पे कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और उससे कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा नेबरहुड का कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सके। ओके?